सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड न्यू एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और आपको इसे कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर आपको अपने मोबाइल में कैपकट ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँ आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है जिस फोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको क्लिक करके डिलीट कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेटियो नेम का, रेटियो पर क्लिक करना है। 9.16 वाला साइज लाके फोटो को स्क्रीन पे 2 फिंगर से फुल साइज में कर लेना है। अभी आपको शुरू में आना है, नीचे एड ऑडियो पर क्लिक करना है, साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यह फाइल जैसा ऑप्शन आएगा, फाइल पर क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है वो आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। म्यूज़िक लगाने के बाद आपको अपने फोटो की लेंथ को बड़ा करना है। जितना बड़ा आपका म्यूज़िक रहेगा आपको इसे इतना बड़ा कर लेना है, ठीक है, म्यूज़िक के एंड तक। अभी गाइस आपको अपने वीडियो में स्प्लिट लगाने, तो स्प्लिट आप किस टाइम पर लगाओगे? तो यहाँ पर एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख लिए, मैं आपको स्प्लिट टाइम दिखा देता हूँ कि आपको स्प्लिट कितने टाइम पर लगाना है अपने फोटो पर। सबसे पहले तो 2 फिंगर से आपको फोटो के लेयर को पूरी जूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 0.2 सेकंड पर आना है। 0.2 सेकंड के बाद यहाँ पर 5F है ना, यहाँ पर आपको एक स्प्लिट करना है इतनी दूरी पर, ठीक है, फर्स्ट वाला स्प्लिट। और सेकंड स्प्लिट आपको कहाँ करना है? सेकंड स्प्लिट आपको यहाँ करना है गाइस। देखिए मैं आपको टाइम थ्रू बताता हूँ, 0.3 सेकंड है, 0.3 सेकंड के बाद यहाँ पर 15F है, तो इससे थोड़ा सा पहले आपको सेकंड वाला स्प्लिट करना है। थर्ड स्प्लिट आपको कहाँ करना है? यहाँ पर जो आपने 0.15 से पहले करा था ना, यहाँ पर आपको करना है 25F से थोड़ा पहले डॉट पर, ठीक है। 3 स्प्लिट आपको इसमें करने हैं। अब आपको इसमें इफेक्ट लगाने हैं, तो इफेक्ट आपको कौन से लगाने हैं वो बता देता हूँ। तो नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। फर्स्ट में आपको जो हेलो ब्लर मिलेगा आपको ये वाला इफेक्ट लगा के राइट कर देना है। और इसका जो साइज आपको रखना है ना हेलो ब्लर का, ये आपको फर्स्ट वाली स्प्लिट तक रखना है, ठीक है, फर्स्ट वाली स्प्लिट तक रखना है। जैसे मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली स्प्लिट तक रखना है ये। अब आपको एक इफेक्ट और लगाना है यहाँ पर, मगर आपको थोड़ा सा आगे से लगाना है ये वाला इफेक्ट। तो आप कहाँ से लगाओगे? यहाँ पर आना है आपको, शुरू में जो आएगा आपका 20F के पास आना है। नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट पर। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेंस नेम का, लेंस पर क्लिक करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा जूम लेंस, ठीक है। जूम लेंस लगाने के बाद राइट कर देना है और इसका साइज़ भी आपको फर्स्ट वाली स्प्लिट तक ही रखना है, बाकी आप मतलब छोटा कर देना है, इस तरीके से बड़ा होगा। अब आपको आगे चलना है यहाँ पर, तो आपको कितनी दूरी पर आना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लास्ट वाले वीडियो पार्ट पर आना है, जो आपने लास्ट वाला स्प्लिट करा था ना, यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम थ्रू भी बताता हूँ, 0.4 सेकंड से पहले, 25 से पहले जो डॉट है ना, यहाँ पर आपने स्प्लिट करा था, यहाँ आना है आपको। यहाँ पर आपको बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ गाइस आपको आना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, स्ट्रोक क्लोन, क्लोन में आना है, क्लोन में सेकंड नंबर वाला इफेक्ट है, आपको ये वाला इफेक्ट लगा के राइट कर देना इस तरीके से। और इसका साइज़ आपको कहाँ तक रखना है गाइस? इसका साइज़ आपको यहाँ तक रखना है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 0.6 सेकंड से पहले जो 25F है यहाँ तक आपको रखना है, ठीक है। फिर आपको यहीं रुकना है, नीचे वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको आना है इस नाइट क्लब में, नाइट क्लब नेम का ऑप्शन होगा। नाइट क्लब में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर ये इफेक्ट मिलेगा स्ट्रोब नेम का, ये लगा देना है। और इसका साइज़ आपको एंड तक रखना है, ठीक है, इस एंड तक नहीं रखना है, यहाँ तक रखना है आपको, 0.9 सेकंड से पहले 25F तक। अब आपको एक इफेक्ट और लगाना है ये वाला, तो यहीं पर रहना है आपको, बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको आना है इसमें, ठीक है, सुपर पावर्स क्लोन, इसमें आना है आपको, इस क्लोन में, ठीक है, क्लोन में या स्टॉक में आना है। स्टॉक में आने के बाद सेकेंड नंबर वाला जो इफेक्ट है ना, ये लगा देना है और इस पर क्लिक करना है, इस नीचे एडजस्ट पे क्लिक करके इसका आपको साइज़ वगैरह इतना कर देना है, आप देख लो, ठीक है। साइज़ आपको इसका जो साइज़ है एंड तक रखना है, इसकी लेंथ आपको एक का साइज़ और बढ़ाना है ये वाला इफेक्ट का। या आपने जो इफेक्ट लगाया था ना, ये जूम लेंस वाला सेकेंड नंबर वाला जो इफेक्ट लगाया था, इस पर क्लिक करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है, इसका साइज़ आपको इतना रखना है। स्पीड भी 0 रखनी है, रेंज आपको 5 रखनी है, यहाँ से राइट कर देना है। सो गाइस, हमारी वीडियो बन गई है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा।
वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना। अब बात करते हैं आपको मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, म्यूज़िक ऐप डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको एक लिंक मिलेगा, मटेरियल लिंक। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर आपको ये वाली वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट को ओपन करने के बाद वहाँ से आप सब कुछ ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर साइज पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।